वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी खुर्रम से ही राजा बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद जनाब। राजा साहब क्या हाल है? ठीक है सर, मैंने कॉल की थी जुमे को, जी कुछ इरादा था आपसे मिलने का। अच्छा, बिल्कुल आपके घर के पास हैदराबाद आए हुए थे। ओए हुए 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 हुए, वो आप थे? खुर्रम, आपका फोन भी आया था। अल्लाह अकबर, प्लीज आप पूरा बता तो देते। एक मैंने समझा एक आर्मी के को कैप्टन खुरम थे, पहले उन्होंने फोन किया था कि मिलना चाहते हैं। ओए होए होए होए, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने समझा कि वो हैं, तो खैर है नहीं हो। बड़ा अफसोस हुआ यार, आप करीब आके भी नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी उस दिन। वाकई में कल कुछ और मुलाकात हो सकती है शायद गाँव में, कल क्योंकि मैंने असल मेरी अम्मी जान का ऑपरेशन हुआ हुआ है, मतलब हार्ट का। अच्छा, अल्लाह का RICU में लेके आते हैं, तो मतलब अच्छा रावलपिंडी में RICU काफी टाइम होता है, उधर बैठना पड़ता है वायर। अच्छा तो ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और कभी आए तशरीफ लाए मोस्ट वेलकम। ठीक है, हाँ। कल क्या है, संडे है? कल क्या है दिन? फ्राइडे है। नहीं नहीं फ्राइडे को प्लीज थोड़ा सा सॉरी के उस दिन भी तो फ्राइडे था ना। हाँ फ्राइडे ही तो मेरा ऑफ होता है, और उस वक्त मैंने खासा और मेरी एंगेजमेंट्स काफ़ी हो जाती हैं। मेरे बेटा आ जाता है, फिर उसके साथ जाता हूँ, फिर नमाज़ के लिए इधर उधर और चीज़ें भी लानी होती हैं। अभी आज भी कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आज रात का खाना है उनका। और अभी हमारे में फरमाए कोई सवाल और तो नहीं आया? सॉरी है, ये तो मुझे अफसोस हुआ। नहीं सवाल तो आया ना, मतलब अच्छा मैंने पता करना था आपसे, वो जो आपने भैंस का मसले का पूछा था, मतलब उसकी दुम वगैरह सूख गई है। अच्छा नहीं, वो तो आपको पता है, मैंने तो कहा था आपने, लेकिन वो अभी गिर गई है। नहीं घिस गई है, मैंने कहा था अगर तो उसमें थोड़ा बहुत उसमें जान है, अगर वो पंजाबी में कहते हैं हरी है, अगर वो हरी है यानी उसमें जान है, फिर तो उसका मैंने कहा था कि आप जैतून के तेल की मालिश करते रहें, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आपने कहा था, लेकिन मतलब वो उसी दिन रात को मतलब गिर गई है। हाँ नहीं, वो अगर गिर गई तो है तो मतलब अभी मतलब 6 से 7 इंच टोटल रह गई है। हाँ वो काट देते हैं, फिर काट के तो उस पे पायोडीन वगैरह लगा के ड्रेसिंग कर दें उसकी ऊपर। अच्छा अभी उतनी रहेगी क्यों, मतलब थोड़ी बहुत? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो उतनी रहेगी, अभी ये बढ़ेगी नहीं उतनी, ठीक है ना? क्यों? अच्छा एक और जो भैंस का आपसे मसला पूछा था, मतलब वो खल वगैरह नहीं खा रही अभी तक, सेम प्रॉब्लम चल रही है, खल तो नहीं खा रही वो। नहीं लेकिन दूसरी चीजें सारी खाती है जी, जी बिल्कुल, सिर्फ खाल उसको पसंद नहीं है, यही कहा था आपने? चेंज करके भी देख लिया है। चेंज खल बनोला तो बड़े शौक से ये खाती है, लेकिन वो खल बनोला भी नहीं खा रही। खल बनोला तो नहीं खा रही, और खलें तो बहुत कम यूज करते हैं हम। अच्छा नहीं, दूसरी खल तोरिया देख लें, खल सरसों की देख लें, खल मूंगफली की खली मिल जाती है, इसी तरह सूरजमुखी की मिल जाती है, मुख्तलिफ हैं, तो कोई हो सकता है कि वो उसको वो अच्छी ना लगती हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि बासी हो या कोई फंगस लगी हुई हो ना खल, तो वो भी रखें तो उसको भी नहीं खाती। और भिगो के अगर आप दें, या उनको चॉप करके दें, या बेनोला मील दे दें जो छिलके के बगैर होती है ना, वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उसकी अफादियत भी ज्यादा है, और वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, देख लें। हाँ मतलब करके भी देख लिया, मतलब पुरानी पड़ी थी और नई लाके हुए देखिए, लेकिन फिर वो खा नहीं, खा नहीं, चले छोड़े, नहीं खाती। तो मैंने कहा ना और बहुत सारी खले हैं, अच्छा। वो चेंज करके देखें, ये आज तक आपने कभी सवाल ही नहीं पैदा होता उसने भी चखी हो, या उसको किसी ने आफरी की हो। ये मूंगफली की खली होती है, मूंगफली वाली, और ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जितनी भी है ना, ये सोयाबीन वाली तो हर बहुत महंगी हो गई, सोयाबीन मील वो भी रगबत से खाती हैं, लेकिन यह कि आप तोरिया की खल मिल जाएगी, सरसों की खल मिल जाएगी, खल सरसों खल तोरिया, वो उसमें थोड़ा पहले डाल के देख लें, अगर वो खाएगी तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, मतलब ये आप बताते हैं, मतलब जस्पे जीरा,
जी मतलब भैंस है एक, उसका तकरीबन 8-9 हमारा अभी कल परसों शुरू होने वाला है, ठीक उसको देना देनी हो तो दे दें। 8वें 9वें महीने में मैंने एक तो उनको खुराक वैसे अच्छी देनी चाहिए, आला किस्म की खुराक दे देनी शुरू कर देनी चाहिए, उनको वंडा वगैरह देना चाहिए आखिरी 2 महीनों में, लेकिन लास्ट में जाके उनको गर्म पानी पिलाना होता है, गर्म पानी वो देते हैं थोड़ा वो ना क्या कहेंगे सूने से पहले है, और उसके अलावा उसको यह है कि थोड़ा आइसोले अलग करके बांधें और उसके नीचे मोटी में कोई पराली वगैरह की तह वो डाल दें, ताकि वो खुदा ना खास्ता वो बैठते उठते वो कोई थोड़ी बहुत भी उसको इंजरी ना आए। और दूसरा तीसरे नंबर पे ये है कि साफ सुथरा रखें, उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दें आखिरी महीने में उसको, ठीक है, आखिरी 2 महीनों में, आखिरी महीनों में। अच्छा मतलब ये तो मतलब एक तो बहुत आपके वनडे वगैरह तो काफी बड़े होते हैं, इसके अलावा ये जो वो तारा मीरा होता है जी, इसका मतलब दलिया वगैरह अगर दें तो ठीक ही होता है, मिल जाता है वो भी मिल जाता है, दे दें। देखें ना ये इनमें प्रोटीन की और ऑयल होता है, प्रोटीन होती है, वो अच्छी चीज है, वो आप दिया करें, दें बिस्मिल्लाह, अगर है पड़ा हुआ है तो दें, जरूर दें। पड़ा हुआ तो कोई नहीं, बाजार से लेना पड़ेगा, बाजार से ना लाए ना, अगर मैंने समझा शायद पड़ा हुआ है, बाजार से तो वही लाएं जो मैंने आपको फार्मूले दिए हैं उस हिसाब से, अगर वो उनका राशन बना लें मतवाजन, एक तो वो होगी खुराक, ठीक है ना, तो मतवाजन वंडा जब देंगे, बैलेंस्ड डाइट की बात ही और है, ठीक है ना, हाँ जी, उसकी कमी नहीं होती, फिर उसमें विटामिन्स होते हैं, नमकियात होते हैं, और उसमें सारे रोगनियात हर चीज़ होती है, प्रोटीन उसमें होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर मतवाजन हो, बैलेंस्ड हो, तो उसके सेहत के लिए अच्छी है, ठीक है ना, और डाइजेस्टेबल भी हो जी। अच्छा पिछले हफ्ते मैंने कॉल की थी मतलब, लेकिन बात नहीं हो सकी थी आपसे, मतलब कहते थे आप मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब है, तो मतलब हाँ। उस वक्त मतलब बारिश वगैरह हुई हुई थी, फसलें वगैरह काज करनी थी, तो मैंने बीज वगैरह का थोड़ा बहुत पता करना था मकई, और मतलब इस वक्त हमारे पटवार में तो मतलब यही होती है, मकई होती है, ज्वार और बाजरा, हाँ जी, इसमें मतलब अच्छे बीज वगैरह मतलब ये आजकल तो चूंकि बारिशें, आज रात को भी बारिश आज सहरी के टाइम हुई है, तो अब बारिशें शुरू हो जाएंगी, वो तो 7 बजे के बाद हुई है। अच्छा उधर 7 बजे के बाद, हमारे सहरी के टाइम हुई है 4 बजे, 3 और 4 के दरमियान में हुई है, तो ठीक ठाक बारिश हो गई है, तो ज्वार वगैरह थोड़ी सी मतलब अच्छा मल्टी कट ज्वार जो है आपने, वो बहुत सारे आपको ये सीड इसके मिल जाते हैं, बहुत सारी इसकी सीड की एजेंसीज हैं, वहाँ से मिल जाते हैं, चारा का बीज उनसे ले लें, ना हो तो NARC वालों के पास भी, वहाँ वहाँ से मिल जाता है, ये अच्छा बीज मिल जाएगा आपके लिए, तो मतलब जो नजदीक है वही, तो आप किस तरह कौन ड्राइव करता है आपके लिए, तो आप किस तरह, आप कोई बेटा कौन करता है ड्राइव आपके गाड़ी वाली, मैं नहीं अब्बू के साथ आता। अच्छा अब्बू के साथ आते हैं, बेटा वगैरह कोई नहीं है। अच्छा 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 माशाल्लाह, तो अच्छा अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला के घर में वो जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा, मैं दुआ भी करूंगा इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, काफी लंबी हो गया जी, मेरे दोस्त है वो कहते थे ये फ्रूट सिरप जो लगा होता है कार्बाइड वगैरह उनको मतलब पकने के लिए, हाँ जी हाँ जी, ये मतलब सेहत के लिए मुझे तो नहीं होता है, मतलब नहीं ये मतलब नहीं, वो बस ये आम खास तौर पे आम है, अब स्टोन पे भी, स्टोन फ्रूट्स को भी जब वहाँ से लाते हैं,
अर्ली ये का उतार लेते हैं और मार्केट में, ताकि जल्दी इसको रंग इसका बदल जाए और अच्छी हालत में आ जाए, पैसा उनको अच्छा मिल जाए, करते हैं ये। और आम वाले तो हर नीचे गिरे हुए भी आमों को, वो बड़े कच्चे आम होते हैं, उसमें भी कार्बाइट डाल के तो वो भी बेच रहे होते हैं। तो लेकिन यह कि धो के खाना चाहिए, कोई उसका नुकसान नहीं है जी। सर। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, जिस शख्स ने किसी बीमार की मिजाज पुरसी की तो वो वहाँ से वापस आने तक मुस्तकिल जन्नत के फलों के दरमियान रहा। मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी मान अल्लाह।